हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ टिकी और स्वागत है आपको अपने चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ और आप सब कुशल मंगल से रहे, बढ़िया से रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ चुन्नी से हम पल्लू डालने वाला स्टाइल कैसे वेयर करें अच्छे से सेट करके। कई बार ऐसा होता है हमें लहंगा पहनने का तो काफ़ी मन रहता है लेकिन हमें पल्लू डालना है, तो इस सिचुएशन में ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपका बहुत काम में आने वाला है। तो देखिए, बहुत अच्छा स्टाइल है ये, इस स्टाइल को आप ब्राइडल लुक में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर दिखेगा। तो चलिए, ये लहंगा तो इसके बारे में मैं पहले से ही शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरा साड़ी का बना हुआ लहंगा है। आप ऐसे खुले में भी चुन्नी डाल के पहन सकते हो लेकिन मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपको पल्लू डालने वाला स्टाइल। तो देखिए, चलिए फटाफट फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने चुन्नी को एक तरफ से पकड़ते हुए कुछ इस तरह से प्लीट डालना शुरू कर दिया। काफ़ी चौड़ा है इसका बॉर्डर, तो मैंने कई सारे लेसेस जॉइंट करके कुछ चुन्नी का इस तरह से डिजाइन किया था। तो देखिए, यहाँ पे अच्छे से प्लीट में सेट कर रही हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेसेस की वजह से। और ये देखिए, ये जो जितना हमें सामने की तरफ डालना है उस पर्सन को पकड़ते हुए, देखिए मैं सिर्फ दो लेसेस को हाईलाइट बना रही हूँ, बाकी सारे कपड़े को मैं अंदर की तरफ से छुपा दे रही हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से करके मैं पिन से सेट कर दूंगी। ये हो गया हमारा पिन से सेट। उसके बाद देखिए, ये सामने के तरफ हम कुछ इस तरह से फैला देंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट करने के बाद, देखिए ये थोड़ा सा मोटा है ना, थोड़ा इसको, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम पिन से सेट कर लेंगे साइड में। और दूसरे तरफ का पल्लू, मैं चुन्नी का पल्लू ले आई सामने के तरफ घुमाते हुए और कंधे के ऊपर ऐसे डाल दिया ताकि हमें मतलब सही तरीके से प्लीट डालने में सुविधा हो। तो इसके वजह से आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, शायद समझ में आ जाए, शायद क्या, मुझे तो जितना विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जितना मैं बोल रही हूँ और जितना आप देख के जान पाओगे उतना तो अच्छे से आप समझ जाओगे। देखिए, मैं यहाँ पे अच्छे से प्लीट बना रही हूँ यहाँ पास में दिखाते हुए, और ऊपर का थोड़ा ज़्यादा ही रहे तो ही अच्छा है, अंदर का सारा छुप जाएगा, छोटा बड़ा जितना भी है। तो देखिए, इसको थोड़ा हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद सामने का जितना आप छोड़े हुए हो उससे थोड़ा ये छोटा पल्लू बनेगा। देखिए, मैंने जितना डालना है उतना ले लिया और इसको भी देखिए मैं किस तरह से लेसेस को बाहर रखते हुए बाकी सारे को अंदर छुपा दे रही हूँ। और इसको फिर हम कुछ इस तरह से करके सेट कर लेंगे पिन से कांधे के ऊपर, देखिए ब्लाउज से सेट कर लेंगे। देखिए, तो ये हमारा अभी पिन लग जाएगा। देखिए मैंने किस तरह से लिया है, ये थोड़ा छोटा पल्लू लिया है मैंने। अभी देखिए, इस पल्लू को हमें फैलाना नहीं है, इसको इस तरह ही स्ट्रेट रखते हुए सजाते हुए तो ब्लाउज के साथ और एक पिन की मदद से हमें सेट कर देना है। आप अंदर के तरफ अच्छे से सेट कर लो जितना पॉसिबल हो सके, अगर गोल्डन पिन है तो ऊपर से भी सेट कर सकते हो। और अभी उसके बाद देखिए, पीछे के तरफ से मैंने किस तरह से लिया, देखिए पीछे की तरफ ऐसा लटका हुआ है ना इतना सा, फिर उसको सीधा से पकड़ते हुए, तो देखिए मैंने पल्लू डाल दिया, बहुत ढीला पल्लू ताकि आपका चारों तरफ खिला खिला रहे, चुन्नी थोड़ा फुला फुला रहे तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसमें, बहुत सुंदर दिखता है। आप डांस वगैरह कुछ भी कर सकते हो, बहुत कंफर्टेबली तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। आप पिन से सेट कर लो आपके जहाँ पे भी, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर, जहाँ पे भी सेट करना है पल्लू आपको, तो पिन से अच्छे से सेट कर लो
और उसके बाद आपका फाइनल लुक बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है आपका। एट लास्ट एक पतले से कमर पट्टी की मदद लीजिए और कमर पे बांध लीजिए, अपनी चुन्नी को सेट कर लीजिए और भी आपका जो लुक है वो खिला खिला नज़र आएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।